दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फिनो पेमेंट बैंक से किस प्रकार से पैसे निकालते हैं ये जानकारी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फिनो पेमेंट बैंक खोल लेना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होता है। मित्रों आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सही से फिलअप कर देना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ सबमिट लिखा है, सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पर AEPS पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको टू फैक्टर वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन मांगेगा। तो यहाँ पर आपको जो फिंगर दिया है यहाँ पर बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। आपकी मशीन जलेगी। यहाँ पर कस्टमर का अंगूठा नहीं लगाना है, आपको खुद अपना अंगूठा लगाना है और यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो यहाँ पर आपका टू फैक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट करेंगे सबसे ऊपर। वहाँ बैंक सेलेक्ट करने के बाद दूसरे स्थान पर आप देखेंगे इंटर अमाउंट मांग रहा है। तो यहाँ कस्टमर से पूछेंगे कितना अमाउंट आपको निकालना होता है और नीचे आएगा आधार नंबर, मतलब कि यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर फिलअप कर देना है। मित्रों आधार नंबर को आप सही से फिलअप कीजिए। आधार नंबर में मिस्टेक होने पर यहाँ पर कस्टमर का पैसा नहीं निकलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर आधार नंबर फिलअप हो जाएगा, आधार फिलअप होने के बाद आप कुछ वेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको कैप्चर बायोमेट्रिक लिख के आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कस्टमर का फिंगर लगाएंगे और कस्टमर का फिंगर लगने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट लगा है, इस सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। थोड़ा ये प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेसिंग लेने के बाद हम वेट करेंगे कि कस्टमर का जो 1000 रुपये हमें निकाला है वह निकल चुका है। यहाँ पर हम इसको नेवर करेंगे, मतलब कि पासवर्ड सेव करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर का 1000 रुपये स्टेट बैंक से निकल चुका है। अब मित्रों हमें ये जानकारी लेना है कि हमने आज जो ट्रांजेक्शन किया है वो कितना किया है। तो इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट में अकाउंट हिस्ट्री लिखा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आज की डेट डाल देंगे और आज की डेट डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आज का टोटल ट्रांजैक्शन कितना है। थैंक यू सो मच।